ठीक है, अब वो उस पे आ जाओ, पीपीटी पे आ जाना अंशुमन। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, सो अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे बेटा। दो चैप्टर इस 45 मिनट से 50 मिनट की क्लास में हम कवर अप करेंगे। दो चैप्टर है आपके बेटा, पहला आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और दूसरा रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है, सबसे पहले जरा सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। अंशुमन सर मेरी आईडी पे पिन कर लेना। ओके, तो सारे बच्चे जरा सबसे पहले ये बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम मैंने आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं फर्स्ट टू चैप्टर्स के। फर्स्ट टू चैप्टर ध्यान रखना, हालांकि है 4 नंबर का, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही चार जो क्या नाम है, यही जो 4 नंबर है ये 4 मार्क्स आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन? अक्सर पूरा आ रहा है बेटा, ठीक है, रोटेट तो करो उस पर ही। अब देखो दो क्वेश्चन कौन कौन से आने के चांसेस होते हैं। पहला मेजर हेड और सब हेड का, पहला ही चैप्टर मेजर हेड और सब हेड का एक क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आने का चांस है बेटा वो रहा ये, या तो आपसे पूछ सकता है टूल्स, या तो आपसे डिफरेंस पूछ बिल्कुल सकता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में, या फिर आपसे पूछ सकता है बेटा इधर ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बेटा। जिन बच्चों का थियोरेटिकल पोर्शन काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग मतलब जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, जिनका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है, वो यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को, यानी चैप्टर नंबर 2 यूज करेंगे। बट जिन बच्चों को इन केस अगर लेट सपोज आपको स्क्रीन मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड, लेट सपोज आपको लैंग्वेज प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्वेश्चन है मेजर हेड और सब हेड का। बात समझ में आई सब बच्चों के? ये बात समझ में आई सब बच्चों के? ठीक है, तो सबसे पहले हम यस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। सारे बच्चे अब जरा प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड, ठीक है, थोड़ा सा आगे सर, थोड़ा और आगे सर, थोड़ा सा और, नेक्स्ट नेक्स्ट ने, हाँ ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो ये बैलेंस शीट हमने अब कई दफा पढ़ ली। ठीक है, जब हमने ये बुक स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे ये बैलेंस शीट आपके लिए थोड़ी सी बिल्कुल नई टाइप की थी, बट अब हमने इस बैलेंस शीट को कई बार पढ़ लिया तो इस बैलेंस शीट के बारे में आपको काफी हद तक पता होगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये बैलेंस शीट शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट है, कंपनीज एक्ट यानी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 की शेड्यूल थर्ड की ये बैलेंस शीट है। इन केस अगर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आना हुआ तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आप कंपनी की बैलेंस शीट यूज करते हो वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो बेटा ध्यान रखना इसका आंसर है ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। ठीक है, जिसके अंदर आप एक साथ 2 ईयर की कंपैरिजन करते हो, जिसके अंदर आप एक साथ अपने बिजनेस के 2 ईयर को कंपैरिजन करते हो। आप जैसा कि अगर फॉर्मेट में नोटिस करो, सबसे पहले पर्टिकुलर से नोट नंबर है, उसके बाद 2 साल का डेटा है, एक प्रीवियस ईयर और एक करेंट ईयर। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर एक साथ 2 ईयर का डेटा प्रेजेंट हो तो बेटा उन 2 ईयर के डेटा को प्रेजेंट करने के जो फॉर्मेट होता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सबसे पहले बताओ ये बात क्लियर सारे बच्चों को? ठीक है, ओके। अंशुमन सर जरा स्लाइड आगे करिएगा प्लीज, थोड़ा सा और आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे और आगे, थोड़ा और आगे सर, एक मेजर हेड और सब हेड का एक टेबल आएगा। हाँ, इससे थोड़ा सा और आगे पीछे अभी दिख जाएगा। ओके, बस ओके, सारे बच्चों को ये स्लाइड में आप लोग को एक चीज दिख रहा है बेटा, मेजर हेड और सब हेड सारे बच्चों को दिख रहा है?
राइट सो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा जरा, आपके टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि सर मेजर हेड्स और सब हेड्स कैसे पता करने हैं, तो बेटा ये रहा आपका एक एग्जैक्ट फॉर्मेट जहां पर मेजर हेड और सब हेड दोनों चीजें गिवन है। बेटा ध्यान रखना, मेजर हेड अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपनी की जब हम बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लाइबिलिटी पोर्शन आता है, जिसके अंदर सबसे पहला मेजर हेड होगा बेटा इक्विटी, और बेटा इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। सारे बच्चे क्लियर हैं? यस सर। ओके ओके। तो पहला लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वो होता है, हेडिंग होता है, मेजर हेड होता है, दैट इज शेयर होल्डर फंड। बेटा दूसरा जो मेजर हेड है दैट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी, और तीसरा मेजर हेड है बेटा आपका लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर करेंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं तो बेटा लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर तीन मेजर हेड्स कौन कौन से हैं, कोई जवाब देगा? कोई भी बच्चा सर, बोलो। तुषार रिजर्विंग सरप्लस, शेयर ना? कैपिटल, बिल्कुल नहीं, तुमने उसके सब हेड बताए, फिर से बताओ। शेयर होल्डर फंड, हाँ आयुष, शेयर नॉन का करेंट ज्यादा है, लाइबिलिटी नॉन और करेंट करेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी। एंड करेंट लाइबिलिटी। चैट सेक्शन में भी सब बच्चों ने सही सही जवाब दिया है। तो अगर लाइबिलिटी सेक्शन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेजर हेड, तो बेटा आपके पास तीन ही ऑप्शंस हैं, शेयर होल्डर फंड यानी इसको हम इक्विटी बोलते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी। सारे बच्चे पहले बताओ लाइबिलिटी के मेजर हेड से क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा, आपका जो एसेट सेक्शन है बेटा उसके अंदर दो ही एसेट होते हैं। एक जमाना होता था यानी जब आपका बचपन का जमाना होता था, क्लास 11th की बात कर रहा हूं, वहां पर आप फिक्स एसेट पढ़ते थे। बेटा आज कंपनी के अंदर उस फिक्स एसेट का नाम चेंज हो गया है, क्या बन गया है कोई बताना चाहेगा? नहीं गुरली, नहीं, नॉन करेंट एसेट। राइट। तो अब हम फिक्स एसेट के नाम से नहीं जानते बेटा, अब हम उसको किस नेम से बुलाते हैं, नॉन करेंट एसेट। और बेटा दूसरा एक एसेट होता है करंट एसेट। सो अगर आप ध्यान से देखो तो दो मेजर हेड्स बन रहे हैं, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। पहले बताओ यहां सब बच्चे क्लियर है? ओके। बस एक छोटे सा पॉइंट है, वो भी ध्यान से सुन लेना बेटा, नॉन करंट एसेट के अंदर दो सब सेक्शन है। अब यहां पर नॉन करंट टैंजिबल एसेट और नॉन करेंट इनटैंजिबल एसेट। सपोज करो मैं एक एग्जांपल दूं आप लोग को, गुडविल, तो बेटा इसका मेजर हेड क्या होगा कोई बताएगा? नॉन करेंट नॉन करेंट इंटेंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट, नॉन करेंट इनटैंजिबल एसेट। तो मतलब अब हम एक बार वापस से पूरा गो थ्रू करते हैं। टोटल पांच मेजर हेड है बेटा पूरी बैलेंस शीट के अंदर। पहला मेजर हेड है इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर फंड के नेम से जानते हैं। दूसरा है नॉन करेंट लाइबिलिटी, और तीसरा है बेटा करेंट लाइबिलिटी। एसेट सेक्शन के अंदर वैसे तो दो मेजर हेड्स हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि नॉन करेंट एसेट के दो सब है, मतलब दो कैटेगरीज हैं, नॉन करेंट टैंजिबल एसेट और नॉन करेंट इनटैंजिबल एसेट। सारे बच्चे क्लियर हैं? यस सर। भाई सबका जवाब नहीं है अभी तक, चैट सेक्शन में अच्छा आ रहे हैं। यस सर। ओके ओके ठीक है, अक्षर समझ में आ गया है? यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। देखो मेजर हेड्स को लर्न करना काफी इजी काम है, बट पॉइंट आता है कि सर सब हेड्स क्या क्या होंगे, तो बेटा सब हेड्स के बाद जरा ध्यान से सुनना। तुषार कहाँ है? तुषार माइक ऑन करेगा? यस सर। अब बताओ जरा, तुम कुछ इक्विटी में कुछ बता रहे थे उस टाइम पे, क्या बता रहे थे? शेयर कैपिटल फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, थोड़ा तेज बोलो। शेयर कैपिटल फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, लाउडर, शेयर बादाम नहीं कैपिटल, खाए क्या? शेयर कैपिटल फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा चलो, अब मैं आप लोग को बताता हूं बेटा, इस बच्चे ने काफी हद तक सही बोला है। अब मेरी बात ध्यान से समझना अंशुमन सर, एक मिनट जरा पीछे आना, बैलेंस शीट होगी। हाँ, एक बस बस ये वाले, अगर आप इस चीज में नोटिस करो बेटा,
तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को शेयर होल्डर फंड दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड सारे बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसमें बेटा आप देखोगे तो तीन सब पॉइंट दिए हैं बेटा, यही तीन सब पॉइंट आपके सब हेड होते हैं। पहला पॉइंट शेयर कैपिटल, दूसरा पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा पॉइंट से बेटा मनी रिसीव फॉरेन, जिसके लिए आपके क्वेश्चन जिसके मतलब जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। तो मेजर दो ही सब हेड है, एक शेयर कैपिटल और दूसरा आपका क्या होगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये किसका पार्ट है बेटा, कोई बता सकता है? शेयर शेयर होल्डर्स फंड कैपिटल, शेयर होल्डर फंड का। तो शेयर होल्डर फंड मेजर हेड हुआ या फिर सब हेड हुआ सब सब हेड हेड ना? शेयर होल्डर फंड मेजर 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 हेड हुआ। और बेटा शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर किस पॉइंट के अंदर आएगा, शेयर रिजर्व एंड कैपिटल सरप्लस के अंदर या शेयर कैपिटल के अंदर? शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल ओके, तो मतलब ये हुआ बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है लेट्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब आपको उसका बताना है मेजर हेड और उसका बताना है सब हेड। तो बेटा मेजर हेड विल बी इक्विटी और शेयर होल्डर फंड, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। और इसका सब सब हेड क्या हो जाएगा, सब हेड शेयर शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे क्लियर है इस पॉइंट से? ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का बेटा सबसे इजी होता है एनालिसिस, ध्यान रखना कभी भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दे, कभी भी किसी भी टाइप का रिजर्व बोल दे, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बेटा किसी भी आइटम में अगर रिजर्व मेंशन है तो बेटा उसका सब हेड क्या होगा रिजर्व एंड सरप्लस, और उसका मेजर हेड क्या होगा शेयर होल्डर फंड, क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है। क्लियर है सारे बच्चे? ठीक है अंशुमन सर, जरा वो उस पर आइएगा जो टेबल था आगे आगे सर। बस इससे पहले हाँ ओके, सो अगर आप ये चीज नोटिस करो बेटा तो मेजर हेड्स के क्या क्या सब हेड्स होते हैं, तो बेटा शेयर होल्डर फंड्स के तीन सब हेड्स हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है बेटा, इसके अंदर सब हेड्स क्या क्या है? पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक बात बताओ कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो क्या डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं? यस सर, ओके, अब ये कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है, क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल सकता हूं? ओके, तो मतलब ये हुआ बेटा लेट सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिबेंचर, अब ये आइटम दे रखा है आपको इसका सब हेड और मेजर हेड बताना है, तो बेटा डिबेंचर इज इट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग? यस सर ओके, और बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग किस मेजर हेड का पार्ट है? एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल, दैट मीन नॉन करेंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, क्लियर है सारे बच्चे? सर ओके सो अच्छा हाँ तो सर बोलो। एनसीएल इज अ सब हेड ना नो मेजर हेड हाँ पूछना क्या चाह रहे हो वो बताओ। तो फिर सब हेड क्या होगा सब हेड इज लॉन्ग टर्म बोरिंग ना, तुम देखो स्लाइड में देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी में टोटल चार सब हेड दिख रहे हैं तुमको, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर। यस सर गॉट इट ओके ठीक है अंशुमन सर, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। ओके, अब यहां पे बेटा बाकी के हैं, ठीक है, बाकी के मेजर हेड्स और उसके सब हेड्स गिवन हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट करंट लाइबिलिटी। बेटा करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है, रुक जाओ तुषार अभी बताऊंगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आती हैं, क्या क्या आएंगी जरा ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको पूछूंगा आप बताना, क्रेडिटर किसका पार्ट है बेटा करंट सीएल लाइबिलिटी का, बिल्स पेबल किसका पार्ट है? करंट करंट अच्छा, लायबिलिटी अब ये दो आइटम्स बोले उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन था, हमने रेशियो एनालिसिस के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ट्रेड पेबल
ट्रेड पेबल के अंदर दो आइटम्स आते हैं, कौन कौन से कोई बच्चा बता सकता है? ट्रेड रिसीवेबल और ना 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 अक्षर, ट्रेड पेबल के अंदर दो आइटम्स आते हैं क्या क्या? बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल दिशांत है ना? पेबल, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। सपोज करो आपको क्वेश्चन में आइटम्स के तौर पे या तो बिल्स पेबल गिवन होगा या क्रेडिटर्स गिवन होगा, तो इसका मेजर हेड क्या है? मेजर है करंट लायबिलिटी ऑब्वियसली, बट इसका सब हेड क्या होगा बेटा? ये दोनों किसके पार्ट थे? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के। क्या सारे बच्चे क्लियर है इस बात से? ओके अच्छा, अब इसी तरीके से बेटा ये सारे आइटम्स दे रखे हैं ना, जैसे कि नॉन करेंट के अंदर बेटा सपोज करो गुडविल है, तो गुडविल आपको पता है कि नॉन करेंट एसेट का पार्ट है, बट बेटा उसका सब हेड क्या होगा? नॉन करेंट इनटैंजिबल एसेट। क्लियर हुआ सारे बच्चे? ठीक है, और सपोज करो फर्नीचर या फिक्चर्स दिया है, बिल्डिंग दी है, मशीनरी दिया है, तो ऑब्वियसली इसका मेजर हेड क्या है? नॉन करेंट एसेट। बट बेटा इसका सब हेड क्या होगा? नॉन करेंट टैंजिबल एसेट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ, कैश, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, ये किसके पार्ट होंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो हो गया इसका सब हेड। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मेजर हेड क्या है? करंट करंट एसेट। करंट एसेट, ठीक है। सारे बच्चे को एक बात बताओ, सब हेड और मेजर हेड होता क्या है, ये चीज समझ में आई? अच्छा अब मेरे को ध्यान से सुनना, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर हम कितने आइटम्स याद करें। तो बेटा इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूं। अंशुमन सर थोड़ा सा स्लाइड आगे करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर वन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, ऐसे करके बेटा आप इस पूरे प्रेजेंटेशन के आगे एंड तक जाओगे तो आपको हर एक आइटम मिल जाएगा जो अब तक बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, और उसके मेजर हेड और सब हेड दोनों मिल जाएगा। अगर आप लोग को याद हो, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है, ये तो अभी रिवीजन क्लास है, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था सारे बैचेस में, तो मैंने आप लोग को एक ही चीज बोली थी कि बेटा इसको ना रट नहीं सकते, लेकिन इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका एक प्रोसीजर बताया था। क्या बताया था भाई? स्टिक कर दो। हाँ, मैंने आप लोग को एक ही चीज बताई थी बेटा, इसको कहीं एक जगह पे नोट कर लो, ठीक है, और उसको कहीं पे भी ऐसा रख लो कि एटलीस्ट एक हफ्ता, टोटल एक हफ्ता आप उसको ना बस एक बार रीड कर लो। बेटा रीड भी कर लिया ना, सारी चीजें वैसे ही रिकॉल में आ जाएंगी। ठीक है, सारे बच्चों को बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन जिन जिन बच्चों के पास नहीं है बेटा, वापस से मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वापस से फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना बेटा। कई बार बच्चे बोलते थे चार नंबर का एक चैप्टर है, बट बेटा ये वो फोर मार्क्स है जिसमें आपके एक्यूरेट फोर मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको आइटम्स दिए, सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड और सब हेड बताना है, नो कैलकुलेशन, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपको आइटम्स के मेजर हेड और सब हेड मेंशन कर देना है। बात समझे सब लोग? यस सर। ठीक है, अब सर अंशुमन सर आपको ये पूरी स्लाइड एंड तक लेके जाएंगे, एक बार देखते जाना सर, आगे चलते जाना जरा। बेटा ये जितनी भी आपको चीजें दिख रही है, ये पूरी की पूरी चीजों में हर एक आइटम का मेजर हेड, सब हेड, जो भी अब तक बोर्ड के क्वेश्चन में आया है वो सारी चीजें मेंशन है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ कुछ आइटम इसमें रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर सारे बच्चे क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया, सो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों को कंबाइन करके हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप करेंगे। तो सेकंड चैप्टर पे आ जाना जरा, सेकंड वाली प्रेजेंटेशन पे। सो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ध्यान रखना फर्स्ट टू चैप्टर्स के अंदर ऑप्शन आएगा क्वेश्चन में, मतलब
एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से होगा जिसके अंदर मेजर हेड और सब हेड गिवन होगा क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से गिवन होगा जिसके अंदर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मेंशन होगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। मैं आपको दोनों चैप्टर करा देता हूं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है पहले वो सुनना बेटा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बोर्ड के द्वारा देखना आप लोग, टोटल 4 मेजर क्वेश्चन है बेटा इसके, टोटल 4 मेजर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है अभी बताता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, अगर आप इसको रिकॉल करने की सोचो, एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड स्टडी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बोर्ड देख रहे हो तो लेट सपोज ये एक बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर हमें कई सारी चीजों के बारे में नोटिस करना होता है बेटा। क्या क्या चीजें कि बिजनेस में फंड कहां से आएंगे, मतलब या तो आप अपना पैसा लगाओगे ओन्ड फंड, या फिर बोरोड यानी किसी से मांग के लगाओगे। दूसरा ऑप्शन होता है बेटा कि अगर बिजनेस में फंड कलेक्ट कर लिए तो उसको आपको इन्वेस्ट करना है। अब किन किन कामों पे इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न मिलेगा, ठीक है, बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस यानी वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की जो स्टडी होती है यानी इन सारी चीजों की जो डिटेल्ड एनालिसिस होती है, दैट डिटेल्ड एनालिसिस इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर के बारे में समझा था। तो जब हम सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे तो उसमें हम दो चीजें बनाते थे, पीएनएल स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। याद आया सबको, यस सर। ठीक है, ओके। सो मतलब क्या था बेटा, किसी भी चीज का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, और इधर कंपनी का बिजनेस हो, बेटा तीनों चीजों के अंदर आपको सेम चीज ध्यान में रखनी है। एक तो उसका पीएनएल स्टेटमेंट और दूसरा उसका बैलेंस शीट। बात समझे सब लोग, यस सर। ठीक है। और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट की यानी पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट की जो डिटेल्ड एनालिसिस होती है दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर एवरीबॉडी? अब जरा 2 मिनट बोर्ड पे कुछ चीजें फोकस करने की है, इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस शेड्यूल के अंदर है, शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए बेटा ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है या कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट है या कंपनी की एनालिसिस है ये किस शेड्यूल के अंदर आती है, तो आप सीधा सीधा एक जवाब दोगे, कौन से शेड्यूल के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 थर्ड कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल पूरा बोलना बेटा, शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हम एक और क्लास रखेंगे जिसके अंदर आपके वाइवा सेशन की क्लास रखेंगे कि आपसे वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। बेटा ध्यान रखना उस टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक यही होता है, कई बार कई टीचर जरूर पूछते हैं। अच्छा इसके अलावा दो चीजें और है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक पीएनएल स्टेटमेंट और एक पोजिशनल यानी बैलेंस शीट। इस बात से एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, शेड्यूल 3 के अंदर, अच्छा पहली चीज, पहले पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा या बैलेंस शीट ये बताओ, पीएनएल ऑब्वियसली पीएनएल। तो बेटा इसीलिए शेड्यूल 3rd का पार्ट 1, शेड्यूल 3rd का पार्ट 1 इज अ सॉरी इज अ पीएनएल स्टेटमेंट, इज अ पीएनएल स्टेटमेंट एंड शेड्यूल 3rd का पार्ट 2 इज अ बैलेंस शीट। क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। सारे बच्चे, यस सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपसे जो जो चीजें इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की होती है वो ध्यान से सुनना। अंशुमन सर 1 मिनट जरा प्रेजेंटेशन पे आना। जल्दी से जरा जो ब्लू लाइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड पैराग्राफ है बेटा, इट इज अ ब्लू लाइन ब्लू कलर में, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसको जल्दी से इस पैराग्राफ को रीड करें बेटा, बहुत जल्दी से।
डन, शाबाश, डन सर. ओके, सो व्हाट इज दैट? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मैंने आपको बोला था ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कई सारी चीजों पर ध्यान रखना होता है. मतलब कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कैसे इन्वेस्ट करोगे, क्या क्या काम करोगे, कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, बाकी सारी चीजों की एक इंफॉर्मेशन होती है. आप उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो इन द वैल्यूएबल एलिमेंट. ना व्हाट इज वैल्यूएबल एलिमेंट? वैल्यूएबल एलिमेंट मीन कितनी चीजों की जरूरत है, कब कब जरूरत है, कितने प्रपोर्शन में जरूरत है. इन सब चीजों की जो एक डिटेल्ड एनालिसिस होती है और उनके बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. क्लियर एवरीबडी? सर नेक्स्ट स्लाइड. अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा. अच्छा, हमने ना जितने भी बैचेस में यहाँ, जितने भी बैच के यहाँ पे बच्चे हैं बेटा, सात दो मतलब सारे बैचेस में हमने ये पूरी बुक कंप्लीट कर ली है. ऑलमोस्ट नहीं, पूरी बुक कंप्लीट कर ली है. अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर को मैं छोड़ दूँ, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? जवाब नहीं है. कोई कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. ओके, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या भाई? अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस. अकाउंटिंग रेशियो यानी रेशियो एनालिसिस. और फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है? कैश स्टेटमेंट. अच्छा, तो चार आपने ना टोटल चार नाम बताए बेटा. पहला नाम आपने बताया कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा आपने बताया कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा आपने बताया रेशियो एनालिसिस, और चौथा पॉइंट आपने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो एनालिसिस. यही बोला था आप लोग ने? चलो भाई, अब आप लोग बोल रहे हो तो मैं इस बात से एग्री करता हूं. और ध्यान रखना, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए यही चार टूल्स होते हैं. कौन कौन से चार टूल्स? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं बेटा अपनी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को अपनी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से. एग्रीड? चलो बेटा, इसके बाद अच्छा कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर भी हम एक बार कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हैं और कंपैरेटिव बैलेंस शीट. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो पीएनएल आता है, पीएनएल स्टेटमेंट, और दूसरा बैलेंस शीट आता है. तो इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन दोनों चीजों को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, फिर दूसरा टूल है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर भी सेम चीज है कि ये भी एक टूल है जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, अपनी हर एक आइटम को एक कॉमन वैल्यू से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. बेटा पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर कॉमन वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा बताना चाहेगा? सर किसमें? ऑपरेशनल, इसमें कॉमन साइज पीएनएल के अंदर आरएफओ. आरएफओ दैट मींस नेट सेल. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. तो मतलब अब उसका रीजन है, प्रॉफिट आने का बेटा जो मेन सोर्स है ना, यानी जो कॉमन सोर्स है वो सेल्स है. आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, आपको प्रॉफिट चेक करना है ना, आप सबसे पहले ये देखोगे कितने का रेवेन्यू आया. और बेटा रेवेन्यू यानी इनकम कहां से आएगी, जब आप कुछ सेल करते हो. अच्छा, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर भी हम एक कॉमन वैल्यू से कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं. और वो एक कॉमन वैल्यू क्या भाई बैलेंस शीट के अंदर? एसेट और लाइबिलिटी का टोटल. बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया. अच्छा, उसके बाद बेटा थर्ड एनालिसिस होता है हमारा, यानी थर्ड टूल होता है रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर हम हर एक चीज को प्रोपोर्शनेटली एनालाइज करते हैं. एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. और बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, हम अपने बिजनेस की कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को चेक करते हैं बाय यूजिंग थ्री एक्टिविटीज, यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. क्लियर सारे बच्चे? सारे? यस सर. ओके राइट, नेक्स्ट पॉइंट. अब जो इसके बाद है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सर स्लाइड आगे करना जरा.
दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्सेस वर्टिकल एनालिसिस, ध्यान रखना इसके आने के मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसको ना याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। फिर एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो आपने 11 से पढ़ा, पार्टनरशिप बिजनेस जो आपने 12 के स्टार्टिंग फेज में पढ़ा, क्या इन दोनों के अंदर हम 2 साल के डेटा के एनालिसिस करते थे या सेम ईयर के एनालिसिस करते थे? सर कैन यू रिपीट? रिपीट ओके। एक बात बताओ बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस जब हम सोल प्रोप्राइटर की बिजनेस के अंदर हम 2 साल का डेटा प्रिपेयर करते हैं या सिंगल ईयर का पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं? सर सिंगल ईयर का। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं क्या? यस सर। ओके, तो बेटा ध्यान रखना, सिंगल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सिंगल यानी पर्टिकुलर ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। क्लियर सारे बच्चे? यस सर। ओके, बट यही चीज जब हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पे आते हैं तो बेटा कंपनी का जो फॉर्मेट है उसके अंदर क्या आप 2 ईयर के डेटा को प्रेजेंट करके उसकी डिटेल यूज करते हो? यस। ओके, सो बेटा दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सारे बच्चे इस बात से क्लियर हुए? यस सर। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर बेटा हम अपनी पीएनएल स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट दोनों स्टेटमेंट को दोनों स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। समझे? यस अक्षत, ये पूरा थ्योरेटिकल है बेटे। ओके, जबकि वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है बेटा, आप एक पर्टिकुलर ईयर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो और अपने बिजनेस की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। सारे बच्चे क्लियर हैं? ठीक है, जल्दी से इसके जो 3 पॉइंट्स है बेटा उसको रीड कर लो जल्दी से। सर क्या करना है? ये जो बेटा स्लाइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको जल्दी से डिटेल में एक बार जल्दी से रीड कर लो। ये 3, हाँ बेटा 3 to 4 marks, या तो 3 नंबर या 4 नंबर या 1 mark के लिए भी आ सकता है। 1 mark में सिर्फ मीनिंग डालनी होती है। सर इसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट बुक में इसकी इजी और सिंपल लैंग्वेज है। सर वर्टिकल एनालिसिस कब प्रिपेयर होते हैं? मतलब वर्टिकल एनालिसिस बेटा सेम ईयर की इंफॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होता है, जहां पर आपको कंपैरिजन नहीं करना, आप अपनी करंट ईयर की परफॉर्मेंस की पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हो। जैसे एक बात बताओ, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं पार्टनरशिप में, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ के अंदर, क्या हम 2 साल का ईयर का कंपैरिजन करते हैं या अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है? एक ही साल का तो प्रिपेयर करते हैं ना सर, 1 साल का। हाँ, तो जहां पर आप सिंगल ईयर की इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। बट आप जहां पर ना एक साथ 2 ईयर को कंपेयर करते हो, ठीक है, अब एक बात बताओ, कैश फ्लो याद है आप कंपेयर करते थे? हाँ है ना? यस सर। कंपैरेटिव कॉमन बनाते थे, वहां पे भी 2 साल के डेटा को यूज करते थे? हाँ है ना? यस सर। बस हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, समझे? ओके सर। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड पे है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे है, रीड कर लिया सबने? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रो फॉर्म एनालिसिस और इंटर फॉर्म एनालिसिस। हालांकि ये इतना जरूरी टॉपिक नहीं है, बट बेटा कोर्स में सिलेबस में पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है जहां पर आप कंपैरिजन करोगे
बट सेम लेवल पे करोगे, जबकि इंटर के अंदर दो डिफरेंट लेवल पे। एक एग्जांपल बताता हूं पहले। क्या बेटा, लेट सपोज आपकी डोमिनोज कंपनी, हमें ठंड का माहौल है ना, भूख तो अच्छी लगती होगी इस टाइम पे, और डोमिनोज जैसी चीज तो है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, दिल्ली के, हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं ना, दिल्ली के अंदर डोमिनोज बिजनेस के कई सारे ब्रांचेस हैं। यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी होगी जो उसका मैनेजर होगा वो अपने सारे ब्रांचेस को आपस में कंपेयर करता होगा? ओके, लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगर वो कंपैरिजन कर रहा है तो दो डिफरेंट कंपनीज ले रहा है या सेम कंपनी के दो डिफरेंट ब्रांचेस को यूज कर रहा है? तो सेम कंपनी दो ब्रांच, सेम कंपनी के दो ब्रांचेस। ठीक है, तो बेटा अगर आपकी डिटेल्ड एनालिसिस विद इन द कंपनी के अंदर रहती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस। लेकिन यही चीज बेटा अगर डोमिनोज अपने आप को पिज्जा हट से कंपेयर कर रहा है, अब ये डिफरेंट कंपनीज हो गई या डिफरेंट ब्रांचेस हो गई? डिफरेंट कंपनी हो गई। तो बेटा इसको हम बोलेंगे इंटर, INTER, इंटर फर्म एनालिसिस, यानी दो फर्म्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। एक बार रीड करके देखो जल्दी से, बस थोड़े थोड़े पॉइंट बचे बेटा इसके, अब जल्दी से रीड कर लो। Done everyone? Okay. So next topic पे आते हैं। Next slide sir please. नहीं sir, next slide. Objective. ध्यान रखना बेटा, objective भी आ सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि MCQ question में एक statement लिख देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा objective होता है financial statement analysis का। तो बेटा ध्यान रखना, financial statement analysis में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, टू एसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बेटा एक बात बताओ, आप किसी भी चीज का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो, क्यों करते हो? ताकि यही तो पता चल सके ना आपको कितना प्रॉफिट हुआ और उससे आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी बनी, यानी आपकी बिजनेस की पोजिशन कितनी स्ट्रांग हुई। एग्री कर रहे हो इस बात से? मानता है सब लोग? ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है बेटा, किसी का भी बिजनेस हो, मेन मोटिव क्या होता है? टू नो व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, एसेसिंग द मैनेजेरियल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। एक बात बताओ बेटा, अब जैसे जैसे अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, क्या उसके अंदर आपके मैनेजमेंट एफिशिएंट यानी स्ट्रांग होनी चाहिए सो दैट आप हर एक चीज को मैनेज कर सको? यस सर। है ना, अब इसको ना और अच्छे से समझने का एक पॉइंट है बेटा, जब हम बिजनेस करते हैं ना तो हमारे पास एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अगर हम कैश फ्लो देखें तो तीन एक्टिविटी प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला करके तब जाकर के कैश फ्लो बनता है। तो क्या हर चीजों पे मैनेज यानी आपके जो कंट्रोल होता है वो जरूरी है कि नहीं है? और बेटा जब आप हर एक चीज के डिटेल्ड एनालिसिस करते हो ना, तब जाके आपको अपने बिजनेस की मैनेजमेंट पावर ज्यादा एफिशिएंट मिलती है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बेटा, एसेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। बेटा एक बात बताओ, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब वहां पे आप ये भी तो एनालाइज करोगे कि मेरे को कितने टाइम के लिए ये फंड चाहिए। मान लो ऐसा हुआ कि आपने मेरे से 5 लाख रुपीज का लोन लिया, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए था 1 साल के लिए, बट आपने मेरे से 5 साल के लिए ले लिया, तो क्या आपको 4 साल ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यस सर। अच्छा, अब मान लो दूसरी सिचुएशन, आपने 5 लाख का लोन लिया, आपको चाहिए था 5 साल के लिए, बट आपने मुझसे 1 साल के लिए मेरे को प्रॉमिस किया कि आप मेरे को 1 साल बाद वापस करोगे, तो बेटा फिर उस केस में आपके पास फंड्स की स्कार्सिटी हो सकती है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने बिजनेस, मतलब एक और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आप एनालिसिस करके चलते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको अपने बिजनेस के फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है या शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है।
एंड देन उसके हिसाब से आप उसके क्या करते हो, मैनेज करते हो. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ठीक है. Because of the financial statement analysis and because of the tool comparative and common size statement, but आप अपने business की inter firm analysis और intra firm analysis दोनों कर सकते हो, मानते हो? Yes sir. Okay. And the last point, अगर आप हर एक चीज की बेटा detailed analysis करते हो, क्या future forecasting कर सकते हो कि मेरा business अगले साल तक इतना पहुंच सकता है, अगले साल के लिए मेरा ये target रहेगा, मान सकते हो? है ना. अब जैसे हमारी श्वेता है, श्वेता ने जब स्टार्ट किया था बेटा मोमोज खाना, तो पहले ये एक प्लेट पे फोकस रखती थी, लेकिन जैसे जैसे इसको कैपेसिटी इसकी इंक्रीज होती गई ना, इसने फ्यूचर फोरकास्टिंग की एक दिन आएगा जब ये पूरी की पूरी मोमोज की दुकान लूटेगी. तो इसे कहते हैं फोरकास्टिंग, इसे कहते हैं एनालिसिस. उसी तरीके से क्या होता है ना, बिजनेस के अंदर भी होता है. जब आप बिजनेस की हर एक चीज की एनालिसिस करने लगते हो ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको ये समझ में आता है कि नेक्स्ट टर्म कितना होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम कितना हो सकता है, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपका टारगेट या आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा. क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके. बट बेटा ध्यान रखना, ध्यान से समझना, हर एक बिजनेस के अगर कुछ ऑब्जेक्टिव है तो कुछ लिमिटेशन होती ही होती है. पहली लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, हिस्टोरिकल एनालिसिस. बेटा एक बात बताओ, आप अपने करंट ईयर के बिजनेस परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हो? पास्ट सर. पास्ट ईयर पे. अंशुमन सर एक मिनट जरा वो लिमिटेशन पे आना, एक मिनट आगे सर, और आगे सर, थोड़ा और आगे, ये रहा. ओके. मेरी बात ध्यान से समझना, आप ही ने बोला सारे बच्चों ने कि सर हम अपनी करंट ईयर को प्रीवियस ईयर यानी पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से एनालाइज कर रहे हैं. बेटा एक बात बताओ, क्या प्रीवियस ईयर का मार्केट रूल या फिर मार्केट डायनेमिक सेम रहेगा इस साल भी? अच्छा, तो आप ठीक है, आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपके पास डेटा जरूर आ जाएगा, यानी आपके पास एनालिसिस, बट बेटा दैट विल बी द हिस्टोरिकल एनालिसिस. अब इस बात से एग्री करते हो कि मार्केट डायनेमिक होती है? अगर मार्केट डायनेमिक है तो मैनेजमेंट भी डायनेमिक होना चाहिए. अगले साल मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे आपको नहीं पता, अगले साल आपको मैनेजमेंट में क्या चेंजेस करने होंगे आपको नहीं पता. तो आप जो फोरकास्टिंग करते हो ना, वो आपके प्रीवियस जो मतलब एक्सपीरियंस होता है या प्रीवियस जो एनालिसिस होती है उसके हिसाब से करते हो, जो हमेशा एक्यूरेट आने वाले फ्यूचर टर्म्स में एग्रीएबल नहीं होती है. क्लियर सारे बच्चे? ओके. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस. वही चीज है, अगर आप प्रीवियस ईयर की प्राइसिंग पॉलिसी को देखो, इस साल की प्राइसिंग पॉलिसी को देखो, तो लॉट ऑफ डिफरेंस होता है बेटा. लेकिन आप दोनों को क्या करते हो, इग्नोर करते हो इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो टोटली इग्नोर होता है बेटा. क्यों? क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें सही होता है नंबर्स, यानी वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर. मानते हो? ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग. बेटा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर भी कंपनी कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर को मैनिपुलेट या फिर हाइड करती है? राइट. तो बेटा देखो, कहीं ना कहीं उसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट जरूर मिलता है, बट ये लीगल तरीका नहीं होता है, उसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं. क्लियर सारे बच्चे? ओके. तो ये रहा बेटा पूरा चैप्टर, इसकी एक ओवरऑल अगर हम ब्रीफिंग समझें तो ब्रीफिंग कुछ इस तरीके से बेटा, सबसे पहले हमें कंपनी की एक बैलेंस शीट प्रिपेयर होनी चाहिए, उसके अंदर पांच मेजर हेड्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके सब हेड्स के बारे में पता होनी चाहिए. इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी सारी चीजें गिवन है आपके प्रेजेंटेशन में बेटा, विद फॉर्मेट के साथ. इसके अलावा फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोग को बताया. सर एक मिनट जरा आगे करना स्लाइड, थोड़ा और आगे सर, एक पीछे सर. ठीक है. सो बेटा ध्यान रहे, ये रहे इस चैप्टर के पांच मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन्हीं पांच क्वेश्चन में से कोई एक या कोई दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. आज की क्लास सब बच्चों को समझ में आई? यस सर.
सारे बच्चों को ईशान क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। सो टेस्ट वगैरह की डिटेल्स बेटा मैं आप लोग को जो है आज रात तक में बता दूंगा, ठीक है? बस एक बार मेरा लैपटॉप आ जाए, मैं सारी चीजें देख लूं, फिर मैं देता हूँ, ठीक है? माइंड अप करें आपकी क्लास। थ्योरेटिकल से इजी तो मेजर एड वाला ही है। मैंने वही चीज बोला ना बेटा, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। इट ऑल डिपेंड्स आपकी क्या कैपेबिलिटी है। आप अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में ज्यादा स्ट्रांग हो देन गो फॉर द थ्योरेटिकल पोर्शन, आप न्यूमेरिकल में ज्यादा स्ट्रांग हो न्यूमेरिकल, ठीक है? सर उसको न्यूमेरिकल भी नहीं कह सकते, थ्योरी भी है, थ्योरी है वो। थ्योरेटिकल ही है बट वो बेसिकली पॉइंट वाला ऑप्शन है, ठीक है? चलो गाइस बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।